नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिसनौर के सिहोरा से है, जहां सिहोरा थाना क्षेत्र में बीती शाम जंगल से लकड़ी लेकर घर लौट रही दो बहनों की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। आपको बता दें, ग्राम केंडाजूट निवासी 18 वर्षीय आंचल और 19 वर्षीय काजल पुत्री चबर सिंह जंगल से लकड़ियां लेने गई थी। बीती शाम जब वह लकड़ियां लेकर वापस घर लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि आंचल और काजल रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, तभी एक तरफ से मालगाड़ी और दूसरी तरफ से लिंक एक्सप्रेस आ गई। दोनों बहनें समझ नहीं पाई कि किस तरफ जाएं और इसी उलझन में दोनों लिंक एक्सप्रेस की चपेट में आ गईं, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह, थाना प्रभारी धीरज सोलंकी मौके पर पहुंचे और पंचनामा भरकर शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया, अवगत कराना है कि आज दिनांक 20/9/2024 को समय करीब शाम 6:30 बजे थाना शहरा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मेवा नवादा हॉल्ट के पास दो लड़कियों की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पता चला कि ग्राम गेंडा जोड़ की रहने वाली दो बहनें, जिनकी उम्र क्रमशः 20 तथा 18 साल है, लकड़ी लेने गई थी। ट्रेन की पटरी को लकड़ी लेकर क्रॉस कर रही थी। एक तरफ से मालगाड़ी आ गई और दूसरी तरफ से लिंक एक्सप्रेस आ गई। घबराहट में दोनों लड़कियों की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक बहनों के परिजनों द्वारा शवों को पोस्टमार्टम न कराने का अनुरोध किया गया। शवों को बाद पंचायतनामा परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।